खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल को गुरु और आज हम करेंगे गैलेक्सी S20 फैन एडिशन का फुल कैमरा रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। S20 फैन एडिशन में हमें तीन मेन रियर कैमराज मिल रहे हैं, जिनमें मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल्स का सैमसंग S5 KLD सेंसर है। इस फोन में 8 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी लगाया गया है। फोन के फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल्स का सिंगल सोनी IMX616 सेंसर है। ये फोन एक्सिनोस 990 CPU की इमेज प्रोसेसिंग यूज कर रहा है। बाकी तमाम डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। कैमरा ऐप टिपिकल सैमसंग वन UI वाली है। इस कैमरा ऐप में हमें 12 मेगापिक्सल का स्ट्रेट फॉरवर्ड मोड मिल रहा है, मतलब ये कि पिक्सल बिनिंग वाले कैमराज की गिमी की मोड मौजूद नहीं है। इस फोन में आप 0.5x अल्ट्रा वाइड से 30x जूम तक जा सकते हैं और जूम करते वक्त एक कंट्रोल टॉप राइट पे अपीयर होता है, जिसकी मदद से आप अपना सब्जेक्ट कैमरा फ्रेम में ला पाएंगे। S20 फैन एडिशन के फ्रंट के लिए हाई रेजोल्यूशन 32 मेगापिक्सल्स मोड मौजूद है। इस फोन में लाइव फोकस मोड काम नहीं करता, अलबत्ता लाइव फोकस के लिए आपको नॉर्मल मोड पे स्विच करना होगा। वीडियोस की बात करें तो ये फोन 4K अप टू 60fps फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड रियर कैमरा सपोर्ट करता है। फोन में नहायत पावरफुल प्रो वीडियो मोड भी मौजूद है। प्रो मोड के लिए आप रॉ इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। फोन के नाइट मोड में भी टेलीफोटो कैमरा काम करता है और इस फोन के सुपर स्लो मोशन में हमें मोशन डिटेक्शन का बटन भी मिल जाता है। मैंने इस फोन पे काफी ज्यादा इमेजेस खींची और अब स्टार्ट करते हैं सबसे ज्यादा अच्छी इमेजेस से। ओवरऑल पिक्चर्स तो काफी अच्छी आती हैं। S20 फैन एडिशन से ली गई इमेजेस की टोन वार्म है और डेप्थ इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छी और शैलो डेप्थ फील्ड के साथ है, लेकिन जहां पे ये थोड़े से कलर्स को खराब कर सकता है। इस तस्वीर में इन फ्लावर्स के एजेस येलो थी, लेकिन S20 फैन एडिशन ने इनको भी ऑरेंज बना दिया। यही तस्वीर मैं आपको इन कंपैरिजन विद S10 लाइट दिखाता हूं तो आपको ठीक से आइडिया हो जाएगा। ओवरऑल S20 FE की तस्वीर अच्छी है, लेकिन इस पर्टिकुलर इमेज के लिए इसने कलर्स को छेड़ दिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, अभी मैं आपको कुछ और इमेजेस भी दिखाता हूँ। S20 फैन एडिशन ने इन तमाम तस्वीर में डेप्थ इफेक्ट के साथ और कलर टोन के साथ बहुत ज्यादा इंसाफ किया है। ये तस्वीरें देख के पता चल रहा है कि सैमसंग ने इस फोन के कैमरा पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अभी मैं आपको अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल इमेजेस दिखा देता हूं और उसके बाद 30x जूम वाली इमेज भी दिखाऊंगा। ये फोन हाइलाइट्स को थोड़ा बेहतर मैनेज कर सकता था, लेकिन अब जो है सो है। ग्राउंड पे लाइट काफी ज्यादा है, फर्श थोड़ा सा सफेद लग रहा है। तस्वीर ओवरऑल काफी ज्यादा ब्राइट है। ये तो थी अंडर ब्राइट सनशाइन, लेकिन जहां पे फोन अपने एक्सपोजर को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता था। और ये रहा 30x जूम, ये इस फोन का एक यूनिक फीचर है और इसको स्टैंड आउट करने में भी हेल्प करता है। ये रही एक और अल्ट्रा वाइड वर्सेस नॉर्मल वर्सेस लाइव फोकस इमेज। तमाम मोड्स में तस्वीर काफी उम्दा है। आसमान का कलर काफी अच्छा है। लाइव फोकस में डेप्थ इफेक्ट इंटेंस है और एज डिटेक्शन भी काफी ज्यादा अच्छी है। इस तस्वीर से भी आपको डिटेल्स का अच्छे से आइडिया हो जाएगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस दरख्त के पत्तों में से आसमान कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ये रहीं कुछ इंडोर और लो लाइट इमेजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोफा का कलर कम्प्लीटली नेचुरल है और उसी के ऊपर लगी हुई पेंटिंग का कलर भी नेचुरल है। एज डिटेक्शन भी इन तस्वीर में ठीक है। बैकग्राउंड और सब्जेक्ट अच्छे से सेपरेट हो रहे हैं। ये रही नॉर्मल वर्सेस लाइव फोकस इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S20 फैन एडिशन तमाम कलर्स को इतने अच्छे तरीके से पिक कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी एजेस को वाइप ऑफ कर रहा है। अभी हम नजर डालते हैं नाइट मोड इमेजेस पे। अल्ट्रा वाइड, नॉन नाइट एंड नाइट मोड इमेज सबसे पहले आ रही है। इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि कितनी क्लैरिटी है और लाइट भी काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। इमेज काफी ज्यादा ब्राइट अप हो रही है नॉर्मल लाइट मोड इमेजेस में, तो ये फोन गेम को और भी उठा देता है। नाइट मोड में आप इस फोन का टेलीफोटो लेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं सेल्फीज पे। सेल्फीज इस फोन पे नेचुरल कलर टोन के साथ आती हैं। डिटेल्स काफी ज्यादा हाई हैं और लाइव फोकस काफी ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर ऐड करता है। डेप्थ इफेक्ट यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस है।
फ्रंट कैमरा के दोनों मोड से ली गई तस्वीर तो आपने देख ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ हाई रेजोल्यूशन 32 मेगापिक्सल्स वाली सेल्फी। इस तस्वीर में फेस पे सैचुरेशन थोड़ी ज्यादा है, तस्वीर की डिटेल्स बहुत ही ज्यादा हाई हैं। और आखिर में ये रही नॉन नाइट मोड वर्सेस नाइट मोड सेल्फी, यहाँ पे भी डिफरेंस क्लियरली नजर आ रहा है। अब चलते हैं वीडियोस की तरफ। इस फोन में 4K अप टू 60 FPS है। आप तमाम वीडियो की डिटेल्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने इस फोन पे अल्ट्रा वाइड एंड वाइड दोनों मोड्स में वीडियोस कैप्चर की और तमाम मोड्स में इस फोन की ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन काम करती है, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। आप जरा सा वीडियो एंजॉय कर लीजिए और मैं आपको थोड़ी ही देर में मिलता हूँ। इसके साथ ही हमारा S20 फैन एडिशन का कैमरा रिव्यू अपने अख्ताम को पहुंचता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस फोन में फ्लैगशिप कैमरा लगाया गया है। फोन की कलर, हाइलाइट्स, शेडोज, कंट्रास्ट एंड सैचुरेशन मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छी है और वीडियोस में तो ये फोन कमाल कर देता है। इस फोन का कैमरा कंपैरिजन विद S10 लाइट एंड Note 10 लाइट बहुत जल्द हमारे चैनल पे दस्तयाब होगा। अभी के लिए इन कैमरा सैंपल्स एंड वीडियो सैंपल्स के बारे में आप हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।